Welcome back to my YouTube channel. Here I come with a series of your history chapter, the rise of nationalism in Europe. We are learning the whole chapter step by step. In our previous video, we discussed about the unification of Germany and which is very important topic from this chapter. And today we are going to talk about the unification of Italy and unification of Britain. So first, let us see the physical features of Italy. Here you can see the map, how colourful it was and this is the map uh, and it, uh, 1815. Here you can see how small small states are there. This is the northern part of our Italy. and this is ruled by the Austrian Habsburg. Austria, whose ruler was Metternich. Yes, Metternich was the same person which we discussed earlier. His famous quote, do you remember? Okay. Let me tell you when France sneezes, the whole Europe catches the cold. Yada gayna? And this is the southern part, Kingdom of Two Sicilies, which rule Bourbon King of Spain. Remember one thing here I am not talking about the Bourbon dynasty of France. हे आई एम टॉकिंग अबाउट द बर्बन डायनासिटी ऑफ स्पेन एंड दिस इज़ देंट्रल पार विच वॉज रूल्ड बाई दोप एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड द पेपल स्टेट पेपल स्टेट्स हम उन्हीं को कहते हैं जो पोप के द्वारा रूल किए जाते हैं एंड इन ग्रीन कलर दिस इज पिडमोंट एंड दिस इज साडीनिया एक्चुअली जो साडिनिया पिडमोंट है यहाँ पर उस समय रूल कर रहे थे इमानुअल विक्टर इमानुअल टू और वाकई में केवल वही एक ऐसे पर्सन थे जो प्रिंसली हाउस को रूल कर रहे थे एक तरह से आप कह सकते हो कि वहाँ के नेटिव रूलर थे जिन्हें राइट था उसे रूल करने का बट इसे यूनिफाई करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो थे मैटनिक और पोप मैटनिक एंड पोप डिंट वॉन्ट टू यूनिफाई द इटली बट विक्टर इमैनुअल टू वॉज स्ट्रोंगली वॉन्टेड टू यूनिफाई और हमने एक और बात पढ़ी थी कि दैट टाइम जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर रउज हो रही थी और उसे इंक्रीज करने में लोगों को मोटिवेट करने में वहाँ की लैंग्वेज प्लेड अ वेरी बिग रोल बट इन इटली इटालियन लैंग्वेज हैडेंट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एक्चुअली मैनी रीजनल एंड लोकल डायलेक्ट्स यूज बाय द नेटिव पीपल ऑफ इटली देन हाउ समन कैन यूनिफाई द इटली विक्टर इमैन टूज द किंग ऑफ सारे रिवल्यूशन हुए थे वो फेल होने के बाद इटली को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर इमैनुअल टू पर आ गई थी एंड विक्टर इमैनुअल टू ने यह कमांड अपने चीफ मिनिस्टर कैवूर को दी okay who was the cow who was cavour let's see here is the cavour but before discuss the cavour let us discuss the giuseppe mazzini we have already discussed about the giuseppe mazzini giuseppe mazzini a, was the head of a republican party who formed many secret societies like young italy young europe और इन सब के थ्रू ही वो चाहते थे कि यूनिफाई कर पाएँ इटली को एंड द सेकेंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो यूनिफाई करना चाहते थे इटली को थ्रू एजुकेशन बट एट दैट टाइम इन इटली देर वॉज इलिट्रेसी रेट वॉज वेरी हाई लेटेस्ट एग्जाम्प लेटेस्ट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल्स जब इंडिया में रेवोल्यूशन हुआ था फॉर टू गैटिंग द फ्रीडम देन 1857 का रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम कहते हैं कि यदि एटी 1857 का रेवोल्यूशन नहीं होता तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं होती और धीरे 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 करके हम रिवोल्यूशन्स नहीं करते मोटिवेट नहीं होते और 1947 में हमें फ्रीडम नहीं मिलती तो हम 1857 की रिवोल्यूशन को भूल नहीं सकते हैं वैसे ही यूनिफाई करने में जसपे मैजिनी का रोल हम भुला नहीं सकते हैं उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ के ज़रिए काफ़ी हद तक बहुत कोशिश की थी बट दिस इज़ द अनदर थिंग कि ही फेल्ड बट ही ट्राइड ओके नाउ वी कम टू आवर स्टोरी विक्टर इमैनल टू के कंधों पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं तो वो उसको किसको चीफ मिनिस्टर कैवर को कमांड देते हैं कि वो जाए और कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रूक ही यूनिफाई द एटली बट कैवर न तो रेवोल्यूशनरी थे ही डेमोक्रेटिक थे बट ही वॉज द रियल मेकर ऑफ इटली ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी ब्यूटिफुली एंड ही वॉज अ वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज की वजह से ही वो सफल हो पाए थे ऑस्ट्रियन एम्पायर को हराने में ऑस्ट्रियन एम्पायर हमने अभी बात की थी हेयर इज द ऑस्ट्रियन एम्पायर अब ऑस्ट्रियन एम्पायर को हराने के बाद ये पूरा एरिया जो है विक्टर इमानुअल टू के कब्जे में आ गया ओके okay, नाउ चलते हैं सदरन पार्ट की तरफ जहाँ पर रूल कर रहे थे बर्बन किंग ऑफ स्पेन स्पेन सदरन पार्ट को यूनिफाई करने में इम्पोर्टेंट भूमिका जो इम्पोर्टेंट रोल था वो रोल प्ले किया था जुसेपे गैरी बॉल्डी ने हेयर इज़ द मैन गैरी बॉल्डी। ये हीरो थे रेड शर्ट्स यानी कि रेड शर्ट्स नाम का एक मूवमेंट बनाया था जिसमें बहुत सारे शोल्जर्स थे वो रेड शर्ट पहनते थे इसलिए उसका नाम ही रेड शर्ट्स पड़ गया और इन्होंने वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे उन्हें अपने साथ लिया और जो स्पेन की बोबन डायनासिटी थी उसको हरा दिया बट हेर इज़ न इंटरेस्टिंग स्टोरी जो पीजेंस थे वो गैरी बॉल्डी के फेवर में कैसे आए जैसे किसी भी रेवोल्यूशन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम कोई भी स्लोगन्स लाइक like, जय हिंद भारत माता की जय इस तरह के जो स्लोगन्स देते हैं उसी समय का एक स्लोगन ला तालिया ला तालिया गैरी बोल्डी ने दिया था जिसका मतलब था इटालियन लैंग्वेज में कि इटली को यूनिफाई करो बट एज आई टोल्ड यू द इलिट्रेसी रेट वॉज वेरी हाई एट द टाइम द लोकल पीजें लोकल फार्मर्स डिट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाटालिया उन्होंने लाटालिया को समझा कि वो विक्टर इमानुअल टू की किसी वाइफ का नाम है यानी कि वो उनकी क्वीन का नाम है और स्पेन के जो किंग बुरबन डायनेस्टी थी स्पेन की वो उनकी क्वीन को ले गए ले गए हैं और उन्होंने उसे बंदी बना लिया है और गैरी बोल चाहता है कि हम वहाँ जाएँ फाइट करें और अपनी क्वीन को छुड़ाएँ है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी इसीलिए वहाँ के पेजेंट्स और फार्मर्स ने सपोर्ट किया गैरी बॉल्डी को और जो सदरन पार्ट था अब वो भी इनके कब्जे में आ गया था यानी कि अब नदरन और सदरन दोनों ही पार्ट्स के ऊपर साडीनिया फिडमोन्ट के किंग विक्टर मैनुअल टू ने अपने आप को किंग प्रोक्लेम किया बट व्हाट अबाउट द सेंट्रल पार्ट एक्चुअली जब नदरन और सदरन दोनों ही पार्ट्स पर विक्टर इमानूअल टू का रूल हो गया था तो सेंट्रल पावर यानी कि पोप ने ख़ुद ही अपनी पावर को डिजोल्व कर दिया डाइल्यूट कर दिया और उन्होंने जो पावर थी वो इमानुअल टू को दे दी तो इस तरह से 1861 आते आते इटली जो है वो यूनिफाई हो चुका था नाउ लेट डिस्कस द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ब्रिटेन में ना तो कोई सडन रिवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से उसे यूनिफाई किया गया और ना ही ऐसा कोई कि किंग को वहाँ से उठा करके ओवर कर दिया हो और पार्लियामेंट इस्टबलिश हो गई हो ऐसा भी कोई इवेंट नहीं हुआ था इसीलिए आपकी बुक में इसकी हेडिंग दी गई है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश Irish and English community. England, Scotland and Ireland. इसे जब तीनों को मिलाते हैं तो बनता है United Kingdom. Actually, it was the best example of model uh, nation state. Nation state, common identity, shared history. Okay, याद आ गया आपको. But इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड ईच हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बट इंग्लैंड सबसे इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था और उसी पैसे के कारण जो मिडिल क्लास है वो स्ट्रोंग हो गई थी इंग्लैंड में और वहाँ की पार्लियामेंट में ज़्यादातर जो है वो मिडिल क्लास लोग आ गए थे हमने मिडिल क्लास की जब बात की थी हमने पढ़ा था कि दे वर एजुकेटेड पीपल लॉयर्स डॉक्टर्स क्लॉक्स ओके और उसी मिडिल क्लास की एंट्री की वजह से पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रांग हो गई थी और 1688 में उन्होंने जाके मोनार्क को कहा कि आप अपनी पावर हमें दे दीजिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की की इस्टेब्लिशमेंट हुई रूल करेगा किंग बट उसकी पावर जो है वो कंट्रोल की जाएंगी बाय द पार्लियामेंट तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो मनार्क था उसकी पावर्स को सेज कर दिया था और उसी समय पर नाउ अब उनके पास इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग थे उनके पास पैसा था तो वो क्या चाहते थे कि वो अब स्कॉटलैंड यानी कि वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें एक्सपेंड करें तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट बनाया स्कॉटलैंड को और 177 सेवन में एक एक्ट पारित किया एक्ट ऑफ यूनियन जिसके अंदर उन्होंने स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिक्स कर दिया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन कि क्रिएट हो गया बट इंग्लैंड अपनी जो पावर्स है वो थोप रहा था स्कॉटलैंड के ऊपर ही वॉज इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्पेनिस सॉरी ऑन स्कॉटलैंड पीपल स्कॉटिश कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वुड बी सिस्टेमेटिकली एक्सप्रेस्ड When the people of uh, Scotland try to claim their independence, then English government strongly suppressed them. They are even uh, they are not allowed to speak their Gaelic language. Scotland ke people who Gaelic language. Bolte hain. So they are not allowed uh, to speak the Gaelic language, even not allowed to wear their own. नेशन ड्रेस और बहुत सारे लोगों को इसी वजह से परेशान होकर अपना होमलैंड छोड़कर जाना पड़ा अब स्कॉटलैंड के बाद नेक्स्ट टारगेट उनका था आयरलैंड आयरलैंड डीपली डिवाइडेड इनटू टू रिलीजन्स फर्स्ट वन इज प्रोटेस्टेंट एंड सेकेंड वन इज कैथोलिक्स कैथोलिक्स मैंने आपको बताया था एक uh, जो रिलीजन सदियों से चलता आ रहा है दे बिलीव्ड इन बाइबल पोप चर्च एवरीथिंग, बट प्रोटेस्टेंट्स आर मॉडर्न टाइप ऑफ रिलीजन यू कैन सी दे बिलीव्ड इन बाइबल बट दे डेंट बिलीव इन द पावर ऑफ पोप सो आयरलैंड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था तो इंग्लिश पीपल मेक स्ट्रैटीज बट आयरलैंड के अंदर जो कैथोलिक्स थे वो मेजोरिटीज मेजॉरिटी uh, में थे और जो प्रोटेस्टेंट थे वो माइनॉरिटी में थे लेकिन जो इंग्लैंड था इंग्लैंड टोटली प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करता था सो इंग्लैंड इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट टू इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर लार्जली कैथोलिक्स कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया बट स्प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड एटीन वन जीरो वन में आयरलैंड को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में मिक्स कर लिया गया हेर यू कैन सी द फ्लैग्स दिस इज़ द फ्लैग जॉर्ज क्रॉस इंग्लैंड का एंड द स्कॉटलैंड एंड्रू क्रॉस जब ये दोनों मिले तो फ्लैग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना और ग्रेट uh, ब्रिटेन और जब आयरलैंड यानी कि सेंट पैट्रिक क्रॉस को मिलाया गया तो यूनियन फ्लैग 1801 में जो बना यूनियन फ्लैग वो बना और जो आज तक ग्रेट ब्रिटेन का सिंबल है लेकिन जैसा कि हमने बात की नेशन स्टेट की, की गौमन गौमन talked, before, कि कॉमन आइडेंटिटी कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए एज़ वी टॉक्ड एज़ वी डिस्कस्ड बिफोर कि वहाँ पर बहुत सारे कल्चर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रह रहे थे तो वो कॉमन आइडेंटिटी कैसे लेकर आए तो इसीलिए उन्होंने एक नया नेशनल एंथम बनाया जो था गोड सेव्स आ दैट टाइम बट इस टाइम उनकी जो क्वीन है तो इसे गोड सेव्स द नोबल क्वीन कर दिया है और यूनियन फ्लैग बनाया गया ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे को से कनेक्ट महसूस कर सकें एक कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग उनके अंदर आ सके अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं शायद आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ये तीनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है ओके okay, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये मैप है इंग्लैंड का हेर यू कैन सी इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स और ये है आयरलैंड आयरलैंड दो एक कंट्री नहीं था ये दो कंट्रीज थे एक था नदरन आयरलैंड और ये नीचे वाला है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड फर्स्ट इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर के बनता है ग्रेट ब्रिटेन यू कैन सी इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन अब है यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम के अंदर यदि हम अपना पूरा ग्रेट ब्रिटेन और नदरन आयरलैंड मिला देती हैं तो बनता है यूनाइटेड किंगडम पूरा हमारा ग्रेट ब्रिटेन यानी कि वेल्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड पूरा ग्रेट ब्रिटेन और नदरन आयरलैंड को मिलाकर के बनता है ग्रेट सॉरी यूनाइटेड किंगडम और ये जो सारा है इस कंप्लीट को बोलते हैं ब्रिटिश आइलेस जब हमने बात करी थी इंग्लैंड के यूनिफिकेशन की तो मैंने बताया था इंग्लैंड जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानता था स्कॉटलैंड के अंदर कैथोलिक्स थे आयरलैंड में भी कैथोलिक्स थे केवल नदरन आयरलैंड का जो पार्ट था वहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स थे तो सबसे पहले इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में किया उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया इन प्रोटेस्टेंट्स को और इनके ऊपर अपना रूल कर लिया और लेटर ऑन इस आयरलैंड को कंप्लीट आयरलैंड को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया हेर यू कैन सी द डिफ्रेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटिश आइसल्स दैट्स ऑल फॉर आय टूडेज वीडियो If you like my video, then share with your friends, subscribe my channel, and don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Thank you.